हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं ये सोया चंक्स। ये देखिए, ये न्यूट्रिला है और ये 10 रुपए का पैकेट आता है। पैकेट दिखाया मैंने आपको, ये देखिए। इसको मैंने गर्म पानी में 10 मिनट भिगो दिया और ये इस तरह देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई। और ये 10 रुपए की सब्जी देखिएगा कितनी टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बहुत होती है। ये देखिए, सोया चंक्स को तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, जिससे कि एकदम ये हेल्दी सब्जी बनेगी। आप सरसों के तेल में ही बनाएं तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसमें हमने ये 1-2 कली लहसुन की काट ली है बारीक बारीक। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। और जितना ज़्यादा आप सरसों के तेल में सब्जियाँ बनाएंगे ना, उतना ही सब्जियां हमारी हेल्दी बनेंगी। अब इसी में हम प्याज डाल देते हैं जो हमने 1 बारीक काटा है। ये देखिए, प्याज भी डाल दिया हमने। इसको हम अच्छे से भून लेंगे और बिल्कुल झटपट बनने वाली ये सब्जी है। आप इसको चाहें तो आप इसको टिफिन में बच्चों में को भी दे सकते हैं। मैं इसको बना रही हूँ सूखी सब्जी और ये बेटी के टिफिन में ही दूंगी। आप वैसे स्नैक्स के रूप में भी इसको खा सकते हैं। ये वाली सब्जी तो बहुत तरह से बन जाती है न्यूट्रिला की। कुछ लोग इसको न्यूट्रिला कहते हैं, कुछ लोग इसको सोया चंक्स कहते हैं, कुछ सोयाबीन कहते हैं। इसे बहुत सारे नाम हैं और जितने नाम हैं उतनी ही तरह से ये सब्जी हमारी बन जाती है। अब इसी में हम डाल देंगे तीखे के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। ये देखिए, हरी मिर्च को भी हम 2 मिनट भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये थोड़ा पिसा धनिया और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये हल्दी पाउडर है। इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरह से सब्जी है और बहुत ही हेल्दी बनने वाली है ये सब्जी। ये सब्जी तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये देखिए, हल्दी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई और भुन भी गई। अब इसमें हम डाल देते हैं ये चिकन मसाला, मीट मसाला मिलता है ना वो, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने 2 टमाटर ले लिए जो एकदम बारीक बारीक पीस लिए। आप चाहें तो इसको बारीक काट भी सकते हैं। और इसको भी हम अच्छे से इसी में मिक्स कर देंगे। टमाटर से ये सब्जी हल्की सी खट्टेपन में आ जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसको क्या करेंगे हम, जो सोया चंक्स हमने बॉईल की थी इसको हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई। अब इसमें हम धनिया डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको इस तरह हमारी बनाई हुई हेल्दी हेल्दी और एकदम परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये सब्जी टेस्टी लगती है, इस तरह आप बना के ज़रूर देखिएगा। ये सब्जी आराम से टिफ़िन में चली जाएगी और बिल्कुल भी जैसे डिब्बी में लीकेज वगैरह होने लगती है वो भी नहीं होगी और बच्चे खुश होके खाएंगे भी। और इसमें जो हमने मीट मसाला डाला है ना, उससे ये सब्जी का टेस्ट एकदम दोगुना हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए कितनी ही टेस्टी सब्जी हमारी लग रही है। इस तरह आप बना के ज़रूर देखिए एक बार। और आप हमारी प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करें। फुल वीडियो वॉच करने के लिए और एक लाइक के लिए थैंक यू।